बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर निकल गई जागरूकता रैली। तेगरा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रति जागरूकता को लेकर शुक्रवार को मंडलीय अस्पताल तेगरा से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में चिकित्सकों के अलावा स्वास्थ्य कर्मी व बड़ी संख्या में आशा कर्मी शामिल हुई। रैली अनुमंडलीय अस्पताल से निकलकर नगर परिषद तेगरा के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हुए संबंधित विभिन्न नारे लगाए गए। गोल्डन कार्ड बनाना है, 5 लाख रुपया का निःशुल्क बीमा का लाभ उठाना है, हाथों में तख्ती लिए स्वास्थ्य कर्मी योजना संबंधित नारे भी लगाए गए। रैली पुनः अनुमंडलीय अस्पताल तेगरा पहुंचकर समाप्त हुई। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण ने कहा कि 100% लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाना चाहिए। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अपने नज़दीकी वसुधा केंद्र में जाकर ऑनलाइन करना है। उन्होंने बताया कि गोल्डन कार्ड बनाने पर 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। वही स्वास्थ्य प्रबंधक सुवीर कुमार पंकज ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हैं। उन्होंने मौजूद लोगों को गोल्डन कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया। रैली में मुख्य रूप से डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर विकास कुमार, दो रंजू कुमारी, डॉक्टर संजय चौधरी, बीसीएम शारदा कुमारी, लेखपाल विनय कुमार सिंह, बीएमओ मोहम्मद शाह, फार्मासिस्ट अनुराग कुमार, एएनएम रति रानी, आशा प्रीति कुमारी के अलावे अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में यह जागरूकता फैलाना था कि इस योजना के अंतर्गत किसी भी योग्य लाभार्थी को 5 लाख तक की उपचार की सुविधा किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल, सरकारी अथवा निजी अस्पताल में दी जाती है और इस योजना का बेहतर जनरेशन के लिए सभी आशा को इस कार्य में लगाया गया है और सभी योग्य लाभार्थी को गोल्डन कार्ड बनाने की निर्देशित किया गया है।